वीएबी मीडिया आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज की वीडियो रहेगी रिपब्लिक भारत के जो सीईओ है अर्नब गोस्वामी, उनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो उससे रिलेटेड सारा इश्यू आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और नीचे कमेंट जरूर आपको इस वीडियो में करना है और बताना है आपको कि जो भी डिसीजन मुंबई पुलिस ने लिया है वो सही है या नहीं है। बाकी जो भी ये इश्यू है उससे रिलेटेड की वीडियो आगे पायल रोहतगी कंटिन्यू करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या इश्यू था, किस वजह से इनको अरेस्ट किया गया है और क्या क्या वजह है कि मुंबई पुलिस ने क्या क्या चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं। आप अपने व्यू भी नीचे लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पायल रोहतगी के पास, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। अभी तक तो हम सबको पता चल गया होगा कि अर्नब को एंड टू अदर्स हैव बीन सेंट टू अ 14 डे जुडिशियल कस्टडी इन 2018 सुसाइड अबेटमेंट केस। अभी टू अदर्स कौन है, क्या वो दो आरोपी है जिनका नाम अवनय नायक ने लिया था इन द सुसाइड लेटर, आई डोंट नो, बट दैट इज द हेडिंग ऑफ द न्यूज चैनल्स एंड द न्यूज पोर्टल सेइंग दैट अर्नब गोस्वामी एंड टू अदर्स सेंट टू 14 डे जुडिशियल कस्टडी इन 2018 सुसाइड अबेटमेंट केस। क्योंकि मैंने कल अपने वीडियो में प्रश्न उठाया था कि जो बाकी दो आरोपी थे उनको मुंबई पुलिस ने इतना ड्रामे के साथ क्यों नहीं पकड़ा। मुंबई पुलिस यानी अलीगढ़ पुलिस, यानी पुलिस जो ऑब्वियसली ये केस को रीओपन कर रही है जो 2018 में शट हो गया था। जब ये लोग अर्नब गोस्वामी के घर गए थे तब उनमें एक एनकाउंटर कॉप था सचिन वेज। जी हाँ, सचिन वेज का मैंने फेस भी देखा था वीडियो के अंदर, जो वीडियो वायरल हुआ था जहां पर अर्नब गोस्वामी को खींचा जा रहा था और उनको पकड़ कर लेकर जाया था। तो ये सचिन वेज ने ऑब्वियसली अर्नब को बोला कि यू डोंट नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। तो मेरा यही सवाल रहेगा सभी लोगों से कि व्हाई डिड यू नीड एन एनकाउंटर कॉप टू पिक अप अर्नब गोस्वामी, व्हाट वाज द अर्जेंसी, व्हाट वाज द ड्रामा टू डू दैट। ये ऑब्वियसली गुंडागर्दी दर्शाती है। एंड दिस एनकाउंटर कॉप सचिन वेज इज द राइट हैंड मैन ऑफ परमबीर सिंह। जी हाँ, परमबीर सिंह, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन अब ले रही हूं बाकी सब लोगों से जो विक्टिम्स थे इन मालेगांव ब्लास्ट केस, एंड जनरली उनका जो बिहेवियर रहा है इन कंगना रनावत ऑफिस डिस्ट्रक्शन केस एज वेल एज नाउ अर्नब गोस्वामी केस, आई कैन फील दैट ही इज अ वेरी वेरी revengeful officer who obviously likes his way or the highway kind of thought process. तो अब मैं बात करती हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी can actually demand compensation for his wrongful arrest. यहाँ पर मैं अर्नब गोस्वामी की best friend नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने अर्नब गोस्वामी को support किया है जब मुझे लगा है कि उनकी सोच मेरी सोच से match करती है। मगर बहुत बार मेरी उनके साथ television debates पर, उनकी television debates पर argument हो गई है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को रिग्रेसिव साबित करने के लिए कोई पॉइंट रखा है एंड आई हैव कंप्लीटली नॉट एग्रीड टू इट। सो ही हैज डन दैट, आई हैव फॉट विद हिम एंड अगेन आई हैव गॉन ऑन द चैनल व्हेन आई फेल्ट दैट द डिबेट वाज वर्थ माय टाइम। बट यहां पर अर्नब गोस्वामी की फैन ना होकर, बेस्ट फ्रेंड ना होकर, जस्ट एज अ भारतीय नागरिक मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट वॉज अ प्रदर्शन ऑफ गुंडागर्दी। यहां पर मैं सिर्फ लॉजिकली फैक्ट्स और क्वेश्चंस फिर से रखना चाहूंगी ऑन हिज केस, क्योंकि अभी है ना जो अवनय नायक की विडो है उनकी फोटोग्राफ वायरल हुई है सोशल मीडिया पर विद शरद पवार। तो अगर उनकी जो विडो थी और डॉटर, दे वेंट टू द होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र विद अ रिक्वेस्ट टू रीओपन द केस, देन if the home ministry gave the order to the police to reopen the case, then they should have done that on the basis of additional evidence. जिस evidence के ऊपर मैंने कल भी आपके साथ बात करी थी या पहले के वीडियो में भी शेयर किया था कि what was the additional information जिसके basis पे home ministry of Maharashtra gave orders to reopen the case or the police reopened the case, because यहां पर पुलिस ने जिस हिसाब से अर्नब को पकड़ा वो ऑब्वियसली एक वे था टू
कैप्चर हिम सो दैट ही कुड नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, दैट इज बेल वो नहीं ले पाए, बिकॉज समन्स अगर भेजे जाते तो उसका लॉयर बेल ले लेता एंड ही वुड हैव गॉन एंड मेट द पुलिस ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन, बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग अ बेल ही हैज बीन पिक्ड अप लाइक पायल रोहतगी हैड बीन पिक्ड अप बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट us to get bail, they wanted to arrest us. So that is fascism which I saw in Rajasthan, and this is the same fascism which I see in Maharashtra now. अब लीगली बात करें तो ऑब्वियसली द पुलिस कैन रीओपन एनी केस, मगर यहां पर आपके पास क्या चेंज था जो आपने केस को रीओपन किया? खाली विडो और डॉटर के फोटो ऑप से आप केस को रीओपन नहीं कर सकते. एडिशनल एविडेंस क्या है पुलिस के पास, दैट दे नीड टू टेल, क्योंकि सचिन वेस से जब रिपब्लिक टेलीविजन न्यूज ने ही पूछा था कि किस आधार पर आप अर्नब गोस्वामी को पकड़ रहे हैं, तब उन्होंने कहा था दैट ही इज बीन अरेस्टेड अंडर ग्रेव सेक्शन ऑफ 306 of the IPC. तो ये 306 of the IPC, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करने वाली हूं. तो now what is 306 of the IPC? उसके पहले let me explain you again, जिनको नहीं पता कि what was this अभनय नायक केस. अभनय नायक ने इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया था फॉर अर्नब गोस्वामी हाउस और ऑफिस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया था और उनकी पेमेंट बाकी थी. ठीक है, what is important to note is that in the non-matrimonial cases under section 306 of IPC, there is no statutory presumption as envisaged under section 113A or 113B of Evidence Act. जी हाँ, ये थोड़ी लीगल लैंग्वेज है, इसको सिंप्लिसिटी में मैं इतना बताती हूं कि मेयरली बिकॉज समवन हैज कमिटेड सुसाइड ड्यू टू सिविल डिस्प्यूट और हाइपर सेंसिटिविटी, इट कैन नॉट बी इन्फर्ड दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट. इसका मतलब है कि नॉन मैट्रिमोनियल केसेस जहां पे यू नो अफेयर नहीं है या शादी है, मतलब लड़का लड़की का इशू नहीं है, नॉन मैट्रिमोनियल केसेस, वहां पर अंडर सेक्शन 306 ऑफ द IPC, अगर एक इंसान ने सुसाइड कमिट किया ड्यू टू सिविल डिस्प्यूट और हाइपर सेंसिटिविटी, आप उस बेसिस पर अक्यूज्ड को गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं ठहरा सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वी ऑल नो दैट इन द केस ऑफ SSR, अभी तक CBI ने रिया चक्रवर्ती को अबेटमेंट टू सुसाइड चार्जेस पर अरेस्ट नहीं किया है. द CBI हैज नॉट अरेस्टेड रिया चक्रवर्ती ऑन अबेटमेंट टू सुसाइड चार्जेस. इन सुशांत सिंह राजपूत केस रिया वॉज arrested on drug charges by NCB. Ab the charge under section 306 against the accused in the present case may also not sustain. The Supreme Court in the plethora of judgments, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, चित्रेश कुमार चोपड़ा केस 2009, गांगुली रेड्डी केस, SS चीना केस, हैज हेल्ड दैट मियर फेलियर टू पे एन अमाउंट ड्यू कैनॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड. मतलब आप किसी का पैसा नहीं पे कर पाए जो आप ओ करते हैं, देन दैट डज नॉट क्वालिफाई इफ द अदर for abetment to suicide if that person has committed suicide. These are the examples of the cases in which the verdict has been given by the Supreme Court. Several high court judgments bhi hui hai jahan par money due by the accused cannot be constituted as an act of abetment. Ye sare cases hue hain, ye sare judgment पास हुए हैं, और आई थिंक इन्हीं सब आधार पर 2018 में ये अभनय नायक का केस शट हो गया था, मगर इसको रीओपन किया है. देन आई नीड टू नो व्हाट इज द एडिशनल एविडेंस जो अलीबाग पुलिस के पास आया अंडर द गाइडेंस ऑफ एनकाउंटर कॉप सचिन वास, अंडर द गाइडेंस ऑफ परम सिंह दैया, दैट दे ऑब्वियसली वेंट टू अर्नब गोस्वामीज हाउस एंड पिक्ड हिम अप एज अ टेररिस्ट. अब हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स थे जहां पर जजमेंट्स बोली गई है कि भैया अक्यूज्ड कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड इफ नॉट पेड द मनी, वो केसेस है अजय पटोडिया वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2004, संतोष गोयंका वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009. ये इतना भी बताना चाहते हैं दैट अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड अंडर सेक्शन 306-34 IPC के तहत केस भी दर्ज किया है, आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ने ये केस को शट कर दिया था 2018 में,
एंड तभी उन्होंने एक सी समरी रिपोर्ट फाइल करी होगी, तो अब वो सी समरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर रखनी चाहिए क्योंकि अलीबाग पुलिस ने किस आधार पर ये केस को ओपन किया है। सो नाउ वी नीड टू नो द सी समरी रिपोर्ट फाइल्ड बैक इन 2018 व्हेन द केस वाज शट। The genesis of this malaise is rooted in the Police Act 1861, which was enacted by the colonial rulers in the aftermath of 1857 uprising. ये अभी मैं information आपको दे रही हूँ कि ये जो पुलिस के हक, पुलिस के पास इतना हक आता है या इतना right आता है to just pick up somebody like this way, this is because of the Police Act जो 1861 का है और ये बनाया गया था तब by the Britishers in the aftermath of 1857 uprising. तो आप समझिए इतना पुराना rule, इतना पुराना Police Act आज की तारीख में independent भारत के अंदर still workable है. It was enacted and used specifically to subjugate the natives of British India, that is apne Indians, natives of British India is us Indians, and also to serve interest ऑफ द एम्पायर। मतलब ये ब्रिटिशर्स के हक में था और इंडियंस के खिलाफ था। पुलिस एक्ट था 1861 का जो बनाया गया था टू कंट्रोल द 1857 अपराइजिंग। अब ट्रेजिकली दिस एक्ट हैज कंटिन्यू टू बी इनफोर्स इवन आफ्टर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इट इज अ मदर ऑफ सेवरल स्टेट इनएक्टमेंट्स इंक्लूडिंग बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951 एंड नाउ सर्व्स पॉलिटिकल पर्पस फॉर रूलर्स। तो अगर आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस एक्ट का दुरुपयोग किया है तो ये एक्ट को निकालने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जाता, ये एक सवाल रखा जा रहा है क्योंकि ये तो भैया 1861 का एक्ट है, बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951 का एक्ट है एंड दीज एक्ट्स आर नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एक और एग्जांपल है, इन केस ऑफ प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, सुप्रीम कोर्ट हैड इश्यूड डायरेक्शंस टू डीलिंक द पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री सो एज टू मेक इट इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भैया आप होम मिनिस्ट्री को पुलिस डिपार्टमेंट से अलग करो सो दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स एंड इम्पार्शियल जजमेंट्स हो सके। दीज डायरेक्शंस वर फर्दर रिटेरिएटेड इन सब्सिक्वेंट केसेस। इन द ईयर 2012 द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड सीबीआई अ केज्ड पैरट व्हाइल एम्फसाइजिंग द नीड टू मेक पुलिस as well as CBI independent. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज्ड पैरट कहा था, बट नो पॉलिटिकल पार्टी हैज शोन एनी विलिंगनेस टू इंप्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ दिस एपेक्स कोर्ट। द रीजंस ऑब्वियसली आप सबको पता है कि सब पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि पुलिस उनके हिसाब से चले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट था, डिसीजन था इन 2006 कि आप होम मिनिस्ट्री को पुलिस फोर्स से अलग रखो, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर जो लोग लिबरल्स फेमिनिस्ट समझते हैं कि यूपी पुलिस ने ऑब्वियसली जानबूझ के मुस्लिम्स को टारगेट किया या दिल्ली पुलिस ने जानबूझ के मुस्लिम्स को टारगेट किया जब सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो आई थिंक महाराष्ट्र पुलिस ने अब अर्नब को टारगेट किया है। द महाराष्ट्र पुलिस हैज बिहेव्ड इन द सेम मैनर एज दिल्ली एंड यूपी पुलिस हैव बिहेव्ड इन द रीसेंट पास्ट अगेंस्ट इट्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स डिसिडेंट्स एंड मुस्लिम्स। ये मैं कह रही हूँ लिबरल्स और फेमिनिस्ट से, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट के खिलाफ जिस हिसाब से हुई है उसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। अब कोई भी रीजन नहीं था कि अर्नब गोस्वामी को अगर पता होता कि नीचे पुलिस आई है, घर के बाहर पुलिस आई है, वो अपना घर छोड़ के भागता। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू इवन इन माय अर्लियर वीडियोस। बट ऑब्वियसली अगर पुलिस इस हिसाब से फंक्शन करना चाहती है अंडर द ऑर्डर्स ऑफ देयर बॉसेस, देन ऑब्वियसली देयर हिपोक्रेसी एंड देयर वे ऑफ फंक्शनिंग इज गोइंग टू बी टारगेटेड। अब सुनने में आया है कि सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी हैज बीन रजिस्टर्ड एट एनएम जोशी मार्ग पुलिस इन मुंबई अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी फॉर रेजिस्टिंग अरेस्ट एंड टू ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स एंड टू अदर्स हैव आल्सो बीन बुक्ड इन दिस केस। हम सबने वीडियो देखा था, कोई भी अरेस्ट रेजिस्ट नहीं कर रहा था, सब लोग चौक गए थे। बट ऑब्वियसली अब ये केस दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन 353। मैंने आपके साथ डिस्कस किया सेक्शन 306 जो सचिन वाज ने बोला था वॉज द सेक्शन अंडर विच ही वॉज पिक्ड अप अर्नब गोस्वामी फ्रॉम हिज होम। सो अंडर सेक्शन 306 देर आर लॉट ऑफ केसेस and lot of verdicts given by Supreme Court and High Court where an accused cannot be held guilty of abetment to suicide if he has not paid money
to the person who has committed suicide, and even if he has named that person in his suicide note, because this is the verdict given in non-matrimonial cases. So I hope सबको समझ पड़ गया होगा ये मैं क्या कह रही हूँ. अगर ये सब information अर्नब गोस्वामी के पास जाएगी तो मैं आशा करती हूँ कि अर्नब गोस्वामी takes up the matter, goes to the Supreme Court, files an order for compensation for wrongful arrest and malicious prosecution. Because भारत के अंदर अर्नब गोस्वामी को ये करना चाहिए. पायल रोहतगी ने तो अभी तक कांग्रेस के खिलाफ कोई रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए केस फाइल नहीं किया, मगर अर्नब गोस्वामी कैन डू दैट. अर्नब गोस्वामी हैज मोर एक्सेस टू अ लॉट ऑफ मोर टीम ऑफ लीगल प्लेयर्स, एंड आई थिंक दे शुड गाइड हिम सो दैट ही फाइल्स अ केस अगेंस्ट मुंबई पुलिस फॉर दिस रॉन्गफुल अरेस्ट. दैट्स ऑल आई वांट टू टेल ऑल द फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अर्नब गोस्वामी, बिकॉज अर्नब गोस्वामी यहाँ पर गलत नहीं है, यहाँ पर कंप्लीटली गलत है मुंबई पुलिस एंड अलीबाग पुलिस एंड दिस सचिन वाज एंड परमबीर सिंह, बिकॉज उन्होंने एक बंद केस, जो केस बंद हुआ था बिकॉज ऑफ नो एविडेंस, उस केस को फिर से खोला है. उस केस के आधार पर आपने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, मगर दैट केस, दैट सेक्शन हैज नो स्टैंडिंग, बिकॉज दैट सेक्शन के ऊपर पहले भी जजमेंट्स आ चुकी हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेइंग दैट द अक्यूज्ड कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड इफ अ पर्सन द डिसीज्ड हैज कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज. तो ये बात जिसको समझ आ जाएगी वो समझ आ जाएगी, मगर लिबरल्स एंड फेमिनिस्ट अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे, ना वो महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस या अलीबाग पुलिस के बिहेवियर के ऊपर कुछ बोलेंगे, ना वो मुंबई पुलिस एक्ट के ऊपर कुछ बोलेंगे जो 1951 का एक्ट है, उसके पहले का एक्ट 1861 का एक्ट, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलेंगे. आई एम रियली शॉक्ड कि अभी तक इंडिपेंडेंट भारत के अंदर ये सब एक्ट क्यों वैलिड है एंड व्हाई द होम मिनिस्ट्री हैज कंट्रोल ओवर पुलिस. वो होम मिनिस्ट्री के बारे में उनको प्रॉब्लम थी जो होम मिनिस्ट्री सेंटर से लिंक थी, जब दिल्ली पुलिस जामिया के ऊपर अटैक कर रही थी या जेएनयू के ऊपर अटैक कर रही थी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. बट ये महाराष्ट्र पुलिस से कोई भी फेमिनिस्ट और लिबरल्स को प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑब्वियसली महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स पर अर्नब गोस्वामी को अपने घर से उठाकर ले गए. This is the reality of Mumbai police and the hypocrisy of feminists and liberals. By the way, thank you everybody जो आप मेरे लाइव चैट पे आए. Support Arnab Goswami because here he is 110% correct. I have read everything, I have understood everything, and I feel from my heart that Arnab Goswami should be supported by every Indian. Namaste, Jai Hind.